यही प्रयास होगा कि हम सबको इकट्ठा करें और इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सब साथी हों। और कल विपक्ष के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, धरना देंगे और इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे और डट करके उसकी मुखालफत करेंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार को मजबूर होकर के ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। आंदोलनकारी किसानों में जोश भरने और उनकी आवाज बुलंद करने सिंघू बॉर्डर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा में थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान कर राजनीति में हलचल तेज कर दी है। किसानों के बीच पहुंचे ओपी चौटाला ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और इन्हें चुनावों में सबक सिखाने के लिए हम विपक्षी दलों को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद हरियाणा ही नहीं पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस का सफाया कर देंगे। यही प्रयास होगा कि हम सबको इकट्ठा करेंगे और इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सब साथी होंगे। उधर इस मौके पर 22 जुलाई यानी कल होने वाले संसद कूच को लेकर भी चौटाला ने जोरदार हुंकार भरी। चौटाला ने कहा है कि कल किसानों के जत्थे संसद का घेराव करेंगे और ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि सरकार को न केवल झुकना पड़ेगा बल्कि तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। और कल विपक्ष के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, धरना देंगे और इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे और डट करके उसकी मुखालफत करेंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि सरकार को मजबूर होकर के ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए ओपी चौटाला ने सरकार बनने पर हर पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा चौटाला ने हरियाणा के किसानों से अपील करते हुए पंजाब के किसानों का हर परिस्थिति में साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के लिए लड्डू लेकर आया हूं और अगली बार जीत का लड्डू खिलाने के लिए भी आऊंगा और अब के हर बच्चे को नौकरी दूंगा चाहे मुझे फांसी टूटना पड़े। आपसे केवल एक ही निवेदन करने आया हूं कि आप इकट्ठे रहो, मिल करके रहो। खास तौर से हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि आपने हिंदुस्तान के हर सूबे से आए हुए लोगों की जो भरपूर सेवा की उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। खास तौर से पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा हौसले के साथ इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई ना आए ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको उनकी संभाल करनी चाहिए, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। जहाँ मैं आपको इस संघर्ष के लिए बधाई दे रहा हूँ वहीं इस शुभ कार्य के लिए हमारी एक सोच होती है कि शुभ काम जब किया जाए तो उसके लिए लड्डू खिलाए जाते हैं, इसलिए मैं पार्टी की तरफ से लड्डू लेकर के आया हूँ। आपके जो जुम्मेवार लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनको वो लड्डू दे के जाऊँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि हर व्यक्ति लड्डू का इस्तेमाल जरूर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें जेल से रिहाई के बाद ओपी चौटाला अब किसानों की आवाज बनकर मैदान में सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। बीते दिन से चौटाला ने किसानों के धरने पर जाने का सिलसिला शुरू किया और आज चौटाला ने टीकरी और सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों में एक नया जोश भर दिया। हालांकि चौटाला का समर्थन तो पहले से ही आंदोलनकारी किसानों के साथ था लेकिन अब ओपी चौटाला खुद किसानों के बीच पहुँच रहे हैं जिससे सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंघू बॉर्डर से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।